कैसे नहीं आया डेथ सेक्शन की? किस किस को समझ में आया डेथ सेक्शन डायग्नोस करना? आज हमने कितने सेट डायग्नोस किए बताइए, यहाँ पर दिखाओ, ये देखो इधर लाइए, तो लगभग इतने सेट, ये स्टूडियो आपके सेट डायग्नोस किए ना? हमने अपने तो घर से तो नहीं लेकर आए थे ना यहाँ पर, ये देखिए ये सेट और ये सेट डायग्नोस किए हैं और आईसी निकलवाई है तो सबसे निकलवाई है, ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो मेरे साथ में है अभी हमारे दुर्गेश सर और मेरे साथ में एक बार दीपक सर के जोरदार तालियों से बजाइए, दीपक सर हमारे, और यही हमारे नए मेंबर, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस है पहली बार, दीपक सर के लिए जोरदार दीपक सर की। अभी करंट में दो दुकान है सर, कहाँ पर बताओ? महाराज यूपी में हमारा दुकान है। ये कि बोर्नियों का हार्डवेयर सोल्यूशन दिखा देते हैं खाली, ये देख लो वो लाइन यहाँ तक जा रही है, हो गया हाँ चले बना लेना, ऐसा नहीं है यहाँ। अच्छा सब बता रहा अच्छे से है, सब लोग देखिए, सब लोग इधर देखो, सब लोग बताइए कि क्या मैंने यहाँ पे बोर्नियो को गलत कितनी बार बताया है? बहुत बार बताया ना कि बोर्नियो आधा अधूरा काम करके देता है। बोर्नियो बनाते कौन है? बच्चे बनाते हैं बोर्नियो, बोर्नियो बनाने वाले सुन लो कि बच्चे बनाते हैं बोर्नियो। आज क्या किया हमने बताइए सर? डेड डायग्नोस किए सर। हाँ आज डेड डायग्नोस कितने किए सर बताओ? बड़े दुकानदार है भाई, मुझे बताओ सत्तम कि एसर टेलीकॉम वाकई में सिखाने लायक है कि नहीं है? बता सर, एक नंबर है सर, यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन वो भी बढ़िया है और सर आप भी बढ़िया है, एक नंबर आप पढ़ाते हैं सर। अच्छा वहाँ देखकर बताओ कि जो लोग अभी भी बैठे यूट्यूब पर भरोसा करके यूट्यूब से सीख लेंगे उनको को बताओ। और यूट्यूब में कुछ नहीं होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट जब तक ज्वाइन ना करो इम्प्रूव नहीं होंगे जी सर, मतलब विदाउट ट्रेनिंग स्किल हासिल नहीं होगा। मतलब जो आपने कभी से पहले सीपीयू पर काम किया था क्या? नहीं सर, यहाँ पे आके लाइव सीपीयू किया? लाइव सीपीयू फर्स्ट डे में ही किया, फर्स्ट डे में किया। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब क्या करोगे जाकर सर? अब तो पूरा पावर और उनसे सब करना है ना, बिंदास लाइव पावर लाइव। क्या क्या काम किया आप सर? मैंने यहाँ पे सीपीयू निकाला, स्वाइपिंग भी किया, पावर भी लगाया सबसे। इससे पहले कभी किया? नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। अब मुझे बताइए लाइव पावर आईसी कौन कौन लगा चुका है यहाँ पर सेट में? अब मुझे बताओ लाइव 4G सीपीयू कौन कौन लगा चुका है? देखो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, एक छूटे क्या हमसे यहाँ पर? नहीं छूटा। मतलब आईसी वगैरह हटा लेता हूं, फिर लगा लेता हूं, उनका नॉलेज नहीं था मुझे। नॉलेज है पीसीबी देखने का, मतलब ये भी नहीं पता था कौन सा आईसी सेक्शन किधर है, ट्रेसिंग वगैरह ये नहीं था अंदर। आईसीओ के पैड लाइन कभी चेक किए कभी लाइव में? नहीं किए। यहाँ पर आप चेक किए कि नहीं किए? आप चेक कर सकते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर लाइव सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? यहाँ पर लगाया है। और आज की क्लास में क्या किया हमने? आप डेट सेक्टर के बारे में जाना है, अपन पहले अपने बाद डेट सेक्टर आते थे वापस रिटर्न कर देते थे, अब रिटर्न नहीं होगा। अब रिटर्न नहीं होगा पक्के से बताओ यहाँ पर? हाँ सर। अब रिटर्न नहीं होगा? नहीं सर। आप जिस सिटी में रहता हूँ सर, हाँ वो सिटी से भी सीख के आए हैं सर नागपुर में। हाँ ठीक है, तो बेस्ट काम नहीं कर रहे। अच्छा हाँ सर। बेस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? एंडलेस ये होता है कि अगर मेरे पास एक बैटरी का एरर आया तो मैंने आखिरी तक क्या क्या लाइन चेक करनी है, वो एक ही पैड कहाँ जा रहा है उसका, उसको एंडलेस कहते हैं। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ लाइन क्या काम की? सर 4G आईसी लाइन। उससे पहले लगाया कभी? नहीं सर, इसके पहले कभी नहीं लगा। कभी लगा है? इसके पहले सर करता था सर। कोशिश तो की होगी? कोशिश की सर, लेकिन हिलती भी नहीं थे सर जगह से। अरे टच भी नहीं होती थी, जल जाते थे। मतलब एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। हाँ, तो चक्कर में भी कस्टमर का काम क्या कर रहे थे? हाँ, डायग्नोस कर दे पाते थे क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब करेंगे क्या? हाँ सर, हमारे जो सिटी है सर वहाँ पे शॉर्टिंग डेट कोई भी मोबाइल नहीं बनाते सर, डायरेक्ट हीट मार दी तो खराब। नाम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। एसर टेलीकॉम का नाम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सर बनाएंगे। पढ़ाई में हमें 101% वाली क्वालिटी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही कहूँगा भी जो पंजाब से आना चाहते हैं जरूर आए, सर का पढ़ाने का बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद दिया, क्योंकि पढ़ाई पैसे देकर मिल सकती है बट जो एक उस्ताद का गुण है वो पैसे से नहीं मिल पाता। थैंक यू वेरी मच। कैसे नहीं आया डेथ सेक्शन की? किस किस को समझ में आया डेथ सेक्शन डायग्नोस करना? आज हमने कितने सेट डायग्नोस किए बताइए, यहाँ पर दिखाओ, ये देखो इधर लाइए, तो लगभग इतने सेट, ये स्टूडियो आपके सेट डायग्नोस किए ना? हमने अपने तो घर से तो नहीं लेकर आए थे ना यहाँ पर, ये देखिए ये सेट और ये सेट डायग्नोस किए हैं। और जिससे भी ऐसा फोन हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो,
ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो बचा ही नहीं है, उस सारे ऑफलाइन किए कि नहीं किए? यस सर। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ट्रिक पे आधारित है। कल मीडिया डे की क्लास थी, किस किस को समझ में आया, मजा आया, सच बताइए ईमानदारी से। ये देखिए कौन ब्लैक पेस्टेड सीखना चाहता है, एक बार में डन करना चाहता है, आप सब लाइक देंगे ही नहीं देंगे? यस सर। देखिए और आखिरी बात, कौन कौन ड्यूएल लेकर करना चाहता है, सच बताओ। देखो ये सब ड्यूएल लेकर करना चाहते हैं, ड्यूएल लेकर करने के लिए वोट कौन देगा बताओ? कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा। कौन देगा वोट करने के लिए? ज्वाइन करना चाहे तुम्हारे हिसाब से क्यों यहाँ पे आए, यहाँ पर और कौन आ सकता है? क्योंकि सर जो भी अगर वर्क कर रहा है, अगर सिस्टमेटिक वे में वर्क करना चाहता है, बिल्कुल उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे। और एशिया टेलीकॉम क्यों, इसलिए कि यहाँ पे क्रिएटिव जो है स्टडी है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से थ्योरी प्रैक्टिकल एवरीथिंग है और एक एक्सपीरियंस वाला स्टडी है, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखिए क्यों नहीं किया यूट्यूब पे सर? नहीं ऐसे कोई वीडियो ही नहीं है सर यूट्यूब पे, यहाँ पर आने के बाद ही सर सब मिलेगा सर यूट्यूब पे, यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं है सर ऐसे। मुझे बताओ एशिया टेलीकॉम क्यों, बस क्यों हमारे, क्यों हम वाई जबलपुर बेस्ट है सर, एकदम बेस्ट, सुपर सुपर से डुपर है सर। आने से पहले सोचा था इतना मिलेगा? नहीं सर बिल्कुल सोचा नहीं था, अभी 15 दिन हो रहे सर, इतना कुछ मिल गया ना क्या, पैसे वसूल हो गया सर, अभी तो 10-15 दिन बाकी है हमारे। आज का दिन कैसा गया? जैसे आपने यहाँ आए आपको थोड़ा सा डर लगा होगा कि मैं सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा, आप बताओ क्या कोई दूसरे को डरना चाहिए क्या? नहीं नहीं कोई डरना नहीं चाहिए सर। बताओ आप लोग बताइए क्या किसी को डरना चाहिए आने पर कि भाई मेरा पैसा बिगड़ जाएगा, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, या हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? हाथ पकड़ के सिखाते हैं और पीछे खड़ा रहकर करने लगाते हैं। थैंक यू। अभी पता था कि लाइफ में की पावर है, इसी भी कैसे चेक करते हैं? नहीं नहीं सर आज पता चल गया है कि नहीं चल गया है? मुझे बताओ क्या बोलना चाहोगे जो नया आए, बताइए। जी सर जो आना चाहता है वो बिल्कुल आ सकता है, और यहाँ पर जितना सोचा था मैं उससे डबल मिला। और भी तो वीडियो देखे होंगे, दोनों में फर्क क्या लगा? मतलब तुम्हारे गुजरात में भी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इधर के, आप अच्छा पढ़ाते हैं, वीडियो में बहुत देखा, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए तो जो जब तुमने बोला अपने घर वालों से कि मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, तो तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं बोला कि गुजरात में पढ़ लो, यहाँ पर तो इतना बड़ा, गुजरात तो मध्य प्रदेश से बहुत बड़ा है, डेवलप भी है, तो फिर क्यों क्यों तुमने क्या बोला? मैंने बाद में कहा घर वालों के सभी को, वहाँ अच्छा पढ़ाते सब कुछ अच्छा। कितना जरूरी है बेसिक? बहुत जरूरी है वो। YouTube में है क्या? YouTube में नहीं मिलेगा। क्या क्या YouTube में नहीं है जितना आपने पढ़ा? आप मुझे ये components, जो आप sections है, वो YouTube में जितना भी पढ़ाया डेली में, क्या ये सब कुछ YouTube पे है क्या? नहीं सर। YouTube पे होता तो आप दो दिन में भाग जाते, भाग जाते ही नहीं। हाँ तो मुझे बताओ कि लाइव क्या काम किया आपने? लाइव किया, लाइव किया आपने, आप लाइव क्या करने वाले हो जाकर? अभी ब्लैक पेस्ट करने वाले हो? ब्लैक पेस्ट ट्वेल्थ डिग्री करने वाले हो? अभी आईजी का काम करते थे, होते नहीं, होते नहीं थे, मतलब सक्सेस नहीं होते थे, यूट्यूब देख के करते होगे? हां सर यूट्यूब देख के करते थे या ट्राई करते थे, वो सक्सेस नहीं होते। अभी क्या यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? मैंने सीपीयू करा है और ये पावर आईसी। ये झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। यहाँ पे सबने किया है कि नहीं किया है? लाइव किया है। तो मुझे बताओ हितेश कि आपका जो डिसीजन था कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, फीस देता हूँ, चलो देखते हैं वहाँ की पढ़ाई, क्या रहा डिसीजन ओवरऑल? मेरा तो बहुत बढ़िया रहा सर, और मैं जो भी देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जैसे मैं मतलब अपना टाइम स्पेंड ना करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया लाइन में, और जो सीखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो अपने। अगर ये तुम दो लाइव क्या काम किया? पावर एसी सीपीयू काम किया। इससे पहले कभी किया आपने लाइव में? ये जो भी किया कौन सी स्टेंसिल से किया, सच बताइए? यूनिवर्सल। किस किस ने यूनिवर्सल से किया सीपीयू रिवॉल्व? ये देखो ये नहीं, इनको कोई हमने पर्टिकुलर ईएमसी या सीपीयू कर रहा वो नहीं दिया। तो मुझे बता तुमने कभी इस पर फोन खोला था क्या पहले? कभी नहीं, कभी इन्हें फोन नहीं खोला आज तक। और आपने यहाँ पे लाइव क्या काम किया? लाइव सीपीयू और पावर एसी। जोरदार ताली बजाओ, कभी फोन नहीं खोला और यहाँ पर सीपीयू कर गए। ध्यान रखना है यहाँ पर ये सारे जो स्किल वाले हैं इनने भी यहाँ पे सीपीयू किया है सही तरह से वन टाइम में। कैसा लगा आपकी नेट क्लास, सच बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई फोन आपके पास डेड आए और कम बिल्कुल वो फोल्डर पूरा पैक होकर आए तो उसको डायग्नोस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यहाँ पे कोई नया क्यों आए ये बताओ सर। बेसिक से, बेसिक नॉलेज से शुरुआत होती है जी, एंडलेस एंडलेस सर। अगर पैसे पर काम किए कभी? यहाँ पे लाइव क्या काम किए? सीपीयू जो सोचे थे कि मैं क्या सोच कर आए थे कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा, सच बताना। सोच के तो आए थे पर उतना उससे ज्यादा मिला, उससे ज्यादा मिला। आज क्या काम किया था? आज डेड मोबाइलों को जो भी था वो डायग्नोस करना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं तुमको अगर तुम्हारे को कोई डेड दे दूं और डीसी मशीन दे दूं तो उसमें फॉल्ट बता सकते हो कि नहीं?
बता सकते हैं खंडवा से कोई नवा आए तो क्या बोले? आ सकता है। चलो ठीक है, मुझे बताओ आज क्या किया आपने, आज की क्लास बताइए। आज मैं सर डेड डायग्नोस किया। आज कैसा लगा सच बताओ? डेड डायग्नोस बहुत अच्छा। मजा आया कि नहीं आया? मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि डेड डायग्नोस एक वो होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या डेड डायग्नोस हो नहीं पाते हैं, लोग अनुमानित काम करते हैं या तो ये या तो वो या तो कभी ये निकाल देंगे, पावर सही भी है तो भी पावर निकाल देते हैं। हम निकालेंगे क्या? हाँ सर, हम पावर अब नहीं। चलिए कार रिपेयरिंग की फील्ड की अलग हो। अंकित यहाँ पे आपने लाइव क्या काम किया? लाइव पावर आईसी निकाला। आपने भी लाइव किया यहाँ पर? क्या किया लाइव बताओ? लाइव पावर आईसी सीपीयू। ठीक है, वेरी गुड। आपने लाइव पावर आईसी सीपीयू किया? हाँ सर। सच बताओ? हाँ सर। अंकित ने किया है क्या? यस सर। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है। सीखने को बहुत कुछ है। आज आपने डेड सेक्शन डायग्राम देखा, समझ में आया कि नहीं आया? आपके कोई सेट है क्या उसमें? तो उसको भी डायग्नोज किया कि नहीं किया हमने? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नॉर्मल काम करते थे, कभी सीपीयू पर काम किए? यहाँ लाइट का काम करके गए? सीपीयू। आपने रिबोलिंग बहुत टाइम की होगी है ना यहाँ पर आने का? डे वन से रिबोलिंग की है? बिल्कुल। आप अगर मैं आपको कोई भी आईसी दे दूँ तो यूनिवर्सल रिकर रिबोल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो मुझे बताओ आज यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। बताओ देखकर, मतलब क्या क्या सीखे यहाँ पर अब तक? एंडलेस काम सीख लिया। पहले नॉर्मल मतलब बेसिक की भी नॉलेज नहीं थी। हाँ, यहाँ पे बेसिक में भी डीपली समझाया। बताओ कि वाकई में यहाँ आने का डिसीजन, अब तुम अपने घर वालों को देखो, तुम्हारे वो देख रहे होंगे घर वाले, सही था कि नहीं सही था यहाँ? सर एकदम सही था। एकदम सही था, एकदम सही था। मैं जितना और पहले आ गया होता तो और अच्छा होता। लाइव क्या किया यहाँ पर? लाइव हमने सर सीपीयू रिबोलिंग किया, फिर से आईसी को लाइव बैठाया, निकाला लगाया रिबोलिंग करके। वेरी गुड। और आज आज क्या किए? आज हम लोग डेड डायग्नोस का, डेड डायग्नोस में अब जो भी मैंने चीज बताई है वो आप लोग, आपको समझ में आई कि नहीं आई? पूरा समझ में आया सर, पूरा समझ में। कोई फोन है मैं मतलब 5 मिनट में चेक कर लूंगा उसमें क्या फॉल्ट है और उसको बनाने में जितना टाइम। आज कितने से? तो आपने वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं सिखाया? वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ, तो उधर सीखने का तरीका अलग है लेकिन इधर बेस्ट है। यूट्यूब देख के मैं इधर आया। तो अभी कैसा फील हो रहा है सर? बहुत अच्छा सर। अभी आपने शुरुआत से थ्रू आउट, कहीं ऐसा तो नहीं नकली पढ़ा रहे हैं, बैठा रहे हैं, 2 घंटा बुलाते हैं फिर बाद में घर में ही सोते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बहुत ट्रेनिंग क्लास अच्छा है लेकिन इधर में जितना मैं कंपोनेंट का वो अच्छी रिबोलिंग करके लगाया। लाइव क्या किए? लाइव रिबोलिंग करके आईसी को लगाया। सीपीयू 4G किया आपने? लाइव 4G लाइव किया। ए बार जोरदार तालियां इनके लिए। लगता है क्या नहीं यार यहाँ सीख जाएंगे ऐसा एक वाइब्रेशन फील होती थी? आज बताओ महेंद्र यहाँ आने के बाद क्या फील होता है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहले थोड़े छोटे मोटे काम करता था पर अभी लगता है कि। लाइव क्या काम किए? मैंने लाइव 4G सीपीयू पावर आईसी लाइव सेट से निकाल वो, क्योंकि हमारा अभी ब्लैक पेस्टेड का नहीं हुआ तो मैं कसम बता रहा हूँ क्या हम चाहते, हम पहले सोच रहे थे कि इनसे तीसरे दिन में ब्लैक पेस्टेड करवा लें पर वो हमारा MMC का ही कंसेप्ट आता है तो इसलिए हमने ना हमेशा MMC में करवा देते हैं, नहीं तो आज ये बोल रहे होते हैं कि ब्लैक पेस्टेड भी निकाल के सीपीयू लगाया। तो मुझे बताओ कि यहाँ का पढ़ाने का टेक्निक कैसा है और यहाँ कोई नया बच्चा है तो क्यों आए बताइए? बहुत बढ़िया सर, यहाँ का टेक्निक बहुत डीपली लेवल से सिखाते हैं और एंडलेस जो भी प्रॉब्लम होगा एंडलेस तरीके से बताते हैं। यहाँ नए नए सेटों में बताते हैं, पुराने सेटों में तो नहीं बताते? वो नए CPU वाइज बताते हैं ना यहाँ पर सर। सर टेलीकॉम में आज तुम्हें लगभग 12-15 दिन हो गए मेरे सर? अभी सर जिस दिन आए थे जी और आज बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। लाइव क्या काम किए सर? सीपीयू रिबोल करके लगाया, पावर ACP आपने खुद किया? खुद किया। तो आपने खुद किया तो आपको पता होगा कि कितनी हीटिंग की है, मैंने कौन सी स्टेंसिल में कैसे रखा है, कितना PPD लगाया है, क्या PPD को मैंने मेल्ट किया, सारी चीज आपने नोटिस की है ना, कितनी आपने टेम्परेचर रखा, तो ये सारा काम हम कर सकते हैं? वेरी गुड। और यहाँ पे जो थ्योरी है और यहाँ जो प्रैक्टिकल है दोनों चीज करनी मिलती है कि नहीं मिलती है सर? कुछ भी अगर हम थ्योरिकल पढ़ाते हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं सर। और उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम देते हैं यहाँ पर? आज आज क्या किया हमने बताइए सर? डेड डायग्नोस किए सर। हाँ, आज डेड डायग्नोस कितने किए सर बताओ? करीब सर 80 के आसपास ही होगा सर। ऐसा 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 कोई कर सकता है क्या दूसरे नहीं सर? हैं बताओ सर। सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का रिव्यू आता है वो और कहीं पे नहीं देता। और कॉन्फिडेंस आता है। और लाइव भी आते हैं, लाइव देते कि नहीं देखते थे? आज भी लाइव चल रहा है, देखा हो जरा, ये देखो लाइव चल रहा है। संदीप लाइव कौन आ सकता है सच बताना? जो सर सच में सिखा दे, जो दम है जितना और जो सच है, जो बाकी में काम बताया है, क्योंकि लाइव तो वही आएगा ना, लोग बोलेंगे चलो एडिटिंग कर लिया, अरे एडिटिंग तो लाइव में कैसे एडिटिंग कर लेंगे? मुझे बताओ डीप कि नवा बंदा क्यों आए और यहाँ पे क्या उसको मिलेगा जो तुमको मिला? सर यहाँ पे पूरा एंडलेस बताया जाता है, जैसे कि माइक का एक टिप्स है वो आईसी तक एंडलेस, हाँ पैड तक, हाँ वहाँ तक पूरा बताया जाता है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बोर्डियो का हार्डवेयर सोल्यूशन दिखा देते हैं खाली, ये देख लो वो लाइन यहाँ तक जा रही है, हो गया हाँ चले बना लेना, ऐसा नहीं है यहाँ। अच्छा सब बता रहा अच्छे से है, सब लोग देखे
सब लोग इधर देखो, सब लोग बताइए कि क्या मैंने यहाँ पे बोर्नियो को गलत कितनी बार बताया है? यहाँ पर बहुत बार बताया ना कि बोर्नियो आधा अधूरा काम करके देता है। बोर्नियो बनाते कौन है? बच्चे बनाते हैं बोर्नियो। बोर्नियो बनाने वाले सुन लो कि बच्चे बनाते हैं बोर्नियो। हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बोर्नियो क्या है? आईसी निकाल के लाइन पैड को ट्रेस करना और एक सॉफ्टवेयर का काम है सर, पूरा खेल। जिस सिटी में रहता हूँ सर, हाँ वो सिटी से भी सीख के आए हैं सर नागपुर में। हाँ ठीक है, तो बेस्ट काम नहीं कर रहे। अच्छा हाँ सर, बेस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? तो मैंने आखिरी तक क्या क्या लाइन चेक करनी है, वो एक ही पैड कहाँ जा रहा है उसका, उसको एंडलेस कहते हैं। हाँ तो मुझे बताओ यार, लाइन क्या काम की? सर 4G आईसी लाइन। उससे पहले लगा है कभी? नहीं सर, इसके पहले कभी नहीं लगा। कभी लगा है? इसके पहले सर करता था सर। कोशिश तो की होगी? कोशिश की सर, लेकिन हिलती भी नहीं थे सर जगह से। अरे टच भी नहीं होती थी, जल जाते थे। हाँ। मतलब एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। हाँ, तो चक्कर में भी कस्टमर का काम क्या कर रहे थे? हाँ सर, डायग्नोस कर पाते थे क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब करेंगे क्या? हाँ सर, हमारे जो सिटी है सर, वहाँ पे शॉर्टिंग डेट कोई भी मोबाइल नहीं बनाते सर, डायरेक्ट हीट मार दी तो खराब हो गई। नाम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। एसर टेलीकॉम का नाम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाँ सर बनाएंगे। 4G CPU लगाने का निकल गया था कि यार ये CPU भी करवा रहे है ना, तो कंपोनेंट CPU ट्रेसिंग, या ट्रेसिंग में भी बहुत सारी टेक्निक आपको दी। उसके अलावा बात करें, बहुत सारे डायग्राम्स बताया आपको, हर सेक्शंस के टाइम पे आपको प्रैक्टिकल करने मिले। हर दिन आपको प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पर नया कोई नेपाल से आना चाहे तो क्यों आए? जो कुछ भी आना है। अपने नेपाली में बोलो कि तुम नेपाली हो, नेपाली भाषा में बताओ। यहाँ काम राम्रो हुन्छ, यहाँ जो आउनु सिक्न चाहनुहुन्छ जो भी आउनु सक्नुहुन्छ। थैंक यू। क्या बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ सर, मैं बोलना चाहूँगा कि जो सोच के आया था वो मिला जी, और उससे ज़्यादा मिला। यहाँ ठगे नया ठगबाजी तो नहीं है? नहीं, ठग वही बन सकता है जिसने सोचा हो कि बच्चों को ठगना है। हाँ, हाँ। आपने सोच रखा है कि पढ़ाना है तो कुछ देना है, तो वो दे रहे। वेरी गुड, दे रहे हैं। आपने लाइव 4G पे भी काम किया, इनका वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं। तो डेली जो भी काम बताते हैं यहाँ पर, जो लेटेस्ट मार्केट में काम आ रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, लेटेस्ट ही चल रहा है। लेटेस्ट ही चल रहा है। आप बताओ आज आपने क्या किया, क्या चेक किया आपने? आज जो था सर डेट का था। हाँ पूरा डेट। तो डेट एक बहुत दिमाग में रहता है कंसेप्ट की वो बनेगा कि नहीं बनेगा, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होती है, शॉर्टिंग तो क्या कैसे भी करके निकाल ही लेता है। क्योंकि मान लो अगर शॉर्टिंग है और वो नहीं मिल रहा हीटिंग, तो एक एक आईसी को निकालता जाएगा, तो आखिरी में तो एक टाइम पर निकल ही जाएगी। पता ना जब शॉर्टिंग नहीं है, अब ये रीडिंग कितनी ले रहा है, क्या ले रहा है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। वो कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं होता? डायग्नोस में ज्यादातर मोस्टली जो टेक्नीशियन है वो फंसते हैं। फंसते हैं कि पावर एसी का गेम है, कि BPH नहीं है, क्या लाइन है, MMC का फॉल्ट है। आज डायग्नोस में कैसा, आज कितने डायग्नोस सेट किया आपके साथ? सर डायग्नोस तो 80 सेट थे, वैसे ज्यादातर डायग्नोस किए। झारखंड से इतनी दूर क्यों? अपडेट होने के लिए। तो आपने क्या काम करते थे उससे पहले? काम तो कर लेता था लेकिन सही डायग्नोस वगैरह नहीं कर पाता। नहीं कर पाते थे? CPU कर लेते थे क्या पहले? CPU नहीं, यहाँ पे लाइव CPU किया कि नहीं किया? मतलब यहाँ पे आपने लाइव CPU किया तो इस तरह से CPU में अपडेट हुए। आईसी रिबॉलिंग तो आप चलो कर लेते होंगे। तो और ट्रेसिंग की बात करें, या पैड लाइन चेक करने की, या डायग्राम पढ़ने की, सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिला कि नहीं मिला? कैसा है यहाँ पे टीचर का नॉलेज पढ़ाने का? अच्छे अपने दिल से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छे दिल से बताओ, खुल के बताओ कि आप क्या सोच के आए थे, क्या मिला? देखो लोग देख रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया कह के तो मजा नहीं आएगा सर। जितना सोचे थे उससे ज्यादा मिला। हाँ बस इतना ही कहेंगे। अच्छा, जितना सोचे थे उतना ज्यादा मिला। अभी पहले डर तो लगा होगा ना? पहले दिन तो दिन तो लगता था, लेकिन अब कुछ नहीं लगता है कि हाँ सही जगह पर, सही जगह पे आए। पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? वसूल बोले आप कब का पैसा वसूल होते? थैंक यू सर। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाली स्थिति दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और मेरे साथ में है दुर्गेश सर। ये है इस टेलीकॉम का ऑफिशियल चैनल और ये है हमारा 28 अक्टूबर का बैच। एक बार जोरदार ताली है अभी तक। ये
है बेसिकली एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट का एक छोटा सा सफर का वीडियो। अभी पूरी क्लास नहीं हुई है, अभी मान के चलो आधी क्लास हुई है, और अभी 28 तारीख से आज डेट है, आज डेट क्या है बताइए, 12, आज 12 तारीख है, और अभी हमारा हार्डवेयर कवर किया हमने, कोशिश तो हमने पूरी की है कवर करने की। भाई मजा आया कि नहीं आया बताइए, हाथ खड़े करके बताओ मजा आया। ठीक है, थोड़ा सा और आज हम यहाँ पर मिले हैं आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप इस टेलीकॉम को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आप इस रिपेयरिंग में एक इसको बोलते हैं ना कि ओरिएंटेड बिजनेस, ये एक जॉब ओरिएंटेड बिजनेस या ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस है, इस बिजनेस में अपना कैरियर लगाना चाहते हैं, तो मैं स्टूडेंट से खुद पूछूंगा कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा सिर्फ दो लाइनों में, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इनके आगे भी आएंगे, और एक आखिरी में जब ड्यूअल डेकर इनसे करवा लेंगे तो भी इनसे पूछेंगे कि बस लास्ट सफर क्या रहा, कि एक जियो से 4G के CPU से चालू करवा के डबल डेकर CPU तक का सफर इनसे हम पूछेंगे अभी तक के। मैं अगर मैं बताऊं, सब लोग बताओ यहां पर CPU रिबॉलिंग CPU MMC पावर किसने की है, बिल्कुल परफेक्ट, जो कर लेगा ये देखिए। अब मुझे बताइए लाइट पावर आईसी कौन कौन लगा चुका है यहाँ पर सेट में, अब मुझे बताओ लाइट 4G CPU कौन कौन लगा चुका है, देखो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, एक छूटा क्या हमसे यहाँ पर, नहीं छूटा है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हमसे 4G में या पावर में CPU में छूटा। अभी तक हमने डेट सेक्शन किया, आज हमारी डेट सेक्शन की क्लास थी, कैसी रही आज डेट सेक्शन की, किस किस को समझ में आया डेट सेक्शन, डायग्नोस करना, आज हमने कितने सेट डायग्नोस किए बताइए, यहाँ पर दिखाओ, ये देखो इधर लाइए, तो लगभग इतने सेट, ये स्टूडियो आपके सेट डायग्नोस किए ना, हमने अपने तो घर से तो नहीं लेकर आए थे ना यहाँ पर, ये देखिए ये सेट और ये सेट डायग्नोस किए हैं, और डायग्नोस की प्रोसेस इनको बताई प्रैक्टिकली, मतलब जो चीज वर्बली बताई जा सकती है थ्योरिकली बताया जा सकता है कि इतना रीडिंग इतना आएगा, वो सारी चीज प्रैक्टिकली देखी कि नहीं देखी, ठीक है देखिए। सो ये हमारा जो वीडियो हम शुरू करेंगे वो चल, मेरे साथ दुर्गेश सर हैं, दुर्गेश सर मुझे बताओ, अभी हमारे साथ में होते तो आमतौर पे मिलन सर भी हैं, पर वो 14 तारीख को ज्वाइन करेंगे, एक बार मिलन सर के लिए तो हम बताएंगे, एक बार दुर्गेश सर के लिए ताली बजाओ यार, दुर्गेश सर इस बार इनको क्या मिलने वाला है। इनको जैसे कि आप देख सकते हैं हमेशा हम सॉफ्टवेयर में अपने कंटेंट की बात करते हैं, जो कि केवल दो ही कंटेंट होता है, बाकी का कंटेंट हमारा ऐसे टेलीकॉम सपोर्ट नहीं करता है, अनलॉकिंग और फ्लैशिंग। तो अनलॉकिंग और फ्लैशिंग इनको कोई से भी ऐसा फ़ोन हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो बचा ही नहीं है, वो सारे ऑफलाइन किए कि नहीं किए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ट्रिक पे आधारित है। कल मीडिया डे की क्लास थी, किसको समझ में आया, मजा आया, सच बताइए ईमानदारी से, ये देखिए कल मीडिया डे की क्लास थी। और एक और बार बता देता हूँ कि आपको जो भी क्लासेस अगर लाइव देखनी है तो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, फेसबुक में, यहाँ पर कौन कौन से फेसबुक में लाइव देखकर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, जिन्होंने देखा कि यार ये फेसबुक में दम रखते आने का, इंडिया में है ऐसे इंस्टीट्यूट जो, नहीं सर इंडिया में इंस्टीट्यूट या पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट है, या है या नहीं है मुझे नहीं पता, जो डेली लाइव आके हर दिन एक स्टूडेंट को डे वन से लेकर एंड डे तक दिखाए, और हर दिन का एक रिव्यू ले लाइव कि तुमको बनना कि नहीं बना, तो यहाँ पर बताइए सर। तो सॉफ्टवेयर का इनका जो भी है, इनका तो ऑफलाइन वाला कोई मैटर नहीं रहा, ऑनलाइन का कोई मैटर नहीं रहा, अनलॉकिंग इनके जो भी फोन आएंगे 99% इनके अनलॉकिंग हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे टूल्स नहीं बताते, केवल दो टूल्स में इनके जॉब डन हो जाते हैं। कितने टूल अभी तक बताए, दो टूल में, और आप तीसरा भी ले लेंगे UO5, तो उसमें आपका A to Z काम हो जाएगा, जो लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं। और इसके बाद होगा आपका MNC के लिए मिलन सर के लिए जोड़ा था, देखो मैं वीडियो में कह रहा हूँ, अभी एडवांस में कह रहा हूँ, दोस्तों मैं लाइव हूँ देवदत्त अग्रवाल, और ये हमारा एक्चुअली हार्डवेयर का एक आउटपुट का वीडियो बन रहा है, तो एंजॉय करो। तो ठीक है चलो, तो अभी मिलन सर की क्लास में क्या क्या सीखने को मिलेगा, मिलन सर की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा MMC का इंफॉर्मेशन, MMC का काम, MMC को डायग्नोस कैसे करें, MMC प्रोग्राम कैसे करें, MMC अगर डेड आ जाए तो उसको चेंज कैसे करें, तो ये सारी चीजें मिलन सर की क्लास में सीखने को मिलेगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन कौन ब्लैक पेस्टेड सीखना चाहता है, एक बार मैं डन करना चाहता है, आप सब लाइक देंगे ही नहीं देंगे, और आखिरी बात कौन कौन डुअल देकर करना चाहता है, सच बताओ, देखो ये सब डुअल डेकर करना चाहते हैं, डुअल डेकर करने के लिए वोट कौन देगा बताओ, कौन देगा, इंस्टीट्यूट देगा, कौन देगा वोट करने के लिए, इंस्टीट्यूट फ्रेश वोट डुअल डेकर के, जिनकी कॉस्ट मात्र 1200 से 1500 के 2000 के बीच में आती है, तो ये हम देंगे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो शुरू करते हैं, आइए सबसे पहले मैं इनको उठाऊंगा, इमेज आप पास आइए, क्या नाम है तुम्हारा, रुस्तम, कहाँ से हो, बिहार, रुस्तम बिहार से क्या सोच के आए थे इसे टेलीकॉम, और क्यों आए इसे टेलीकॉम,
सर इसमें सिस्टमेटिक में जो स्टडी होता था लाइव दोस्तों चेहरा देखा अपना कोई दिक्कत नहीं है जो भी लाइव हम देखते थे तो उसको देख कर मेरे को लगा कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो हवा हवाई वर्क है मेरे को ज्वाइन तो इससे टेलीकॉम ही क्यों मतलब बिहार से तो हम बहुत दूर हैं जबलपुर की बात करें तो इससे टेलीकॉम क्यों जी सर इसलिए कि सर मैंने आपका वीडियो देखता था जी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप ऑलवेज रिसर्च करते थे मेरे को अच्छा लगा और मेरे को लगा कि तो आप बताओ पहले दिन आपके में कितना अंतर है उसमें बहुत अंतर बहुत अंतर है टोटली डिफरेंट टोटली डिफरेंट है नजरिया ही चेंज हो गया सर किसी भी देखने का यहाँ बताओ कोई नया लड़का बिहार से ज्वाइन करना है तो रुस्तम बहुत सारी चीजें पूछूंगा अभी नहीं पर आखिरी में ये बताओ कि अगर लास्ट कि कोई बिहार से ज्वाइन करना चाहे तो वो क्यों ज्वाइन करना चाहे तुम्हारे हिसाब से क्यों यहाँ पे आए यहाँ पर और कौन आ सकता है क्योंकि सर जो भी अगर वर्क कर रहा है अगर सिस्टमेटिक वे में वर्क करना चाहते हैं बिल्कुल उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और एशिया टेलीकॉम क्यों इसलिए कि यहाँ पे क्रिएटिव जो है स्टडी है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से थ्योरी प्रैक्टिकल एवरीथिंग और एक एक्सपीरियंस वाला स्टडी है ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच रुस्तम थैंक यू तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है आपका नाम बताइए मोसी महाराष्ट्र से मोसी महाराष्ट्र कहाँ से क्यों आए सर मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था हाँ। और लाइव भी देखता सर डेली हाँ। शॉर्टकट तरीके में जल्द से जल्द मोबाइल रिपेयर हो जाता है सर मतलब सही से तो कोई मोबाइल को 3 घंटे लग रहे बनाने के लिए तो सर हम 30 मिनट बना सकते हैं बिल्कुल जल्दी से फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा सर फॉल्ट फाइंडिंग सीखना है मतलब अपना काम आसान करना है कहाँ फंस रहे हैं वो करना है तो आपने दुकान आपने यूट्यूब से देखिए क्यों नहीं किया यूट्यूब पे सर नहीं ऐसे कोई वीडियो ही नहीं सर यूट्यूब पे यहाँ पर आने के बाद ही सर सब मिलेगा सर YouTube पे YouTube की हिस्ट्री में नहीं है सर मुझे बताओ एशिया टेलीकॉम क्यों बस सर, क्यों हमारे क्यों हम वाई जबलपुर बेस्ट है सर एकदम बेस्ट सुपर सुपर से डुपर है सर आने से पहले सोचा था इतना मिलेगा नहीं सर बिल्कुल सोचा नहीं था अभी 15 दिन हो रहे सर इतना कुछ मिल गया ना क्या पैसे वसूल हो गया सर अभी तो 10-15 दिन बाकी हमारे आज का दिन कैसा गया आज का दिन बहुत बढ़िया था कल क्या किया था दिन में कल का दिन बताओ कल हमने लाइव क्या किया था डिस्प्ले करेक्टर प्लास्टिक करेक्टर माइक्रो जंपरी किस किसने की है बताओ ये देखो माइक्रो जंपरी डिस्प्ले कनेक्टर निकालना शॉर्टकट तरीके से सर मोहम्मद सर ने बताया हमारे को किस तरह बटाने प्लास्टिक हमें जलता भी नहीं सर ऐसी ट्रिक से हमारे को बताया माइक कैसे निकालते हैं कैसे बिठाते यहाँ पर नया कोई आया सब ऐसे करते थे सर लेकिन आज मालूम पड़ गया हैरान से भी सब कुछ हो सकता है सर नया आए क्यों आए क्यों नया आए कोई तुम्हारे यहाँ से अगर कोई यहाँ पर सर मैं तो सभी को बोलूंगा यहाँ पर ही आए दूसरा किधर मत जाए यहाँ पर फीस भी कम है और बहुत कुछ मिलने वाला है सर कौन आता वेरी गुड तो आप बताइए तौसीफ तुमने क्या देखा है तो देखा होगा तुमने क्या देखा कि मैं जो यूट्यूब पे आते थे उसमें मैं पहले बहुत सारे मोबाइल को फाइंड आउट करके काम किया था सर जी। पर ऐसा लगता था कि अपने अंदर कुछ कमी है उसको पूरा करने के लिए एशिया टेलीकॉम के लिए आया एशिया टेलीकॉम में बाकी में जो मिला बहुत कुछ मिला सर आपके पहले और आपके में कितना अंतर है बहुत अंतर है सर अब तो नजरिया ही बदल गया बदला कि नहीं बदला तो आपने जो शॉर्टकट ट्रिक बताया सर आईसीयू कैसे देखना मतलब हर चीज निंजा ट्रिक वो यही मिला सर बाहर मुझे बताइए कि जैसे आपने यहाँ आए तो आपको थोड़ा सा डर लगा होगा कि मैं सीखूंगा कि नहीं सीखूंगा आप बताओ क्या कोई दूसरे को डरना चाहिए क्या नहीं नहीं कोई डरना नहीं चाहिए सर बताओ आप लोग बताइए क्या किसी को डरना चाहिए आने पर कि भाई मेरा पैसा बिगड़ जाएगा मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा या हाथ पकड़ के सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हाथ पकड़ के सिखाते हैं और पीछे खड़ा रहकर करने लगाते हैं थैंक यू मेरे साथ एक स्टूडेंट है आपका नाम बताइए क्या नाम है सुशांत सुशांत किधर से आप उड़ीसा से सुशांत उड़ीसा से जबलपुर क्यों सर एशिया टेलीकॉम मेरे को बेस्ट लगा क्योंकि इधर का जो टीचर है सभी का आपका बोलो दुर्गेश सर की बोलो मिलन सर की बोलो सबका वीडियो मैंने देखा हूँ जी और वो वीडियो देखने में तो मेरा काम इजी हो जाता था जी इसीलिए मैं समझा कि वीडियो भी तो इतना हो रहा है जाने के बाद और क्या मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा वीडियो में सब तो देते नहीं है जी सर जी और मैं सर जो उधर से आने के बाद सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है मिला है आप मुझे बताओ कि एज अ बिंग टेक्नीशियन आपने कितने साल से काम कर रहे हो मेरा सर 7 साल हो 7 सालों में और आपके में कितना फर्क है सर बहुत फर्क है सर वहाँ देखकर बताओ कि जो लोग अभी भी बैठे यूट्यूब पर भरोसा करके यूट्यूब से सीख लेंगे उनको बताओ और यूट्यूब में कुछ नहीं होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट जब तक ज्वाइन ना करो इम्प्रूव नहीं होंगे जी सर मतलब विदाउट ट्रेनिंग स्किल हासिल नहीं होगा मतलब जो आपने कभी से पहले सीपीयू पर काम किया था क्या यहाँ पे आके लाइव सीपीयू किया लाइव सीपीयू फर्स्ट डे में ही किया फर्स्ट डे में किया इनके लिए जोरदार ताली बजाइए क्योंकि इन्होंने आज तक सीपीयू पे काम नहीं किया फर्स्ट डे में सीपीयू पे काम किया ठीक है तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ में एक स्टूडेंट आपका नाम बताइए
नेहार, नेहार उड़ीसा से, आप साथ में है क्या? बिल्कुल जोड़ी बैठते हो क्या सब लोग? नेहार मुझे बताओ एशिया टेलीकॉम क्यों? एशिया टेलीकॉम बेस्ट है क्योंकि मैं एक साल पहले आपका एक वीडियो देखा था, उससे मैंने 10-12 मोबाइल मंगाया। जी जी। और मैं सोचा कि अगर मैं एक वीडियो से ऐसा काम कर सकता हूँ तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद तो बहुत सारा। तो आपने कब से काम कर रहे थे? सर मैं 3 साल हो गया है। अच्छा, 3 साल से। तो 3 साल में अब कितना अंतर लग रहा है, अब बताओ आप जाके। सर बहुत बड़े, मैं तो जब काम करता था कोई प्रोसेस ही नहीं था। जी। जब कोई डेट आ जाता था तो वो एकदम से फंस जाते वहाँ पर, और इतना डेट सेट फिर लौटा देते कस्टमर को कि वो डेट सेट से ही मेरे महीने में 30-40। अभी पता था कि लाइफ में की पावर एसी भी कैसे चेक करते हैं? नहीं नहीं सर। आज पता चल गया है कि नहीं चल गया है? मुझे बताओ क्या बोलना चाहोगे जो नया है, बताइए। जी सर, जो आना चाहता है वो बिल्कुल आ सकता है, और यहाँ पर जितना सोचा था मैं उससे डबल मिला। अगर कोई नया आ रहा है तो उसको डरने की जरूरत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सारी स्टूडेंट है, बोलिए क्या नाम है आपका? मनमोहन फ्रॉम उड़ीसा। मनमोहन उड़ीसा से, साथ में हो क्या? नहीं, साथ में नहीं। उड़ीसा से किधर से हो यार? उड़ीसा नवागढ़। अच्छा, मुझे बताइए उड़ीसा से क्यों जबलपुर? हमारा इलाका में तो बहुत बड़ा टेक्निशियन नहीं थे जी, इसलिए मैं सोचा कि मैं बनूंगा। वेरी गुड, इसलिए। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, इन्हें बोला कि इनके इलाके में कोई बहुत बड़ा टेक्नीशियन नहीं है तो ये इन्होंने बोला कि मैं बनूंगा सर। कोई बात नहीं, तो जैसे टेलीकॉम सुन के क्यों लगा कि ऐसा टेलीकॉम बड़ा टेक्नीशियन बना देगा तुमको, ऐसा क्यों लगा, दिल से क्यों लगा? मैंने वीडियो बहुत बार देखा था जी, इसलिए आया। अच्छा, वीडियो में ऐसा देखकर आपको लगा? वीडियो तो बहुतों के भी देखे होंगे यार, ऐसा तो नहीं हम अकेले जो वीडियो डालते हैं, ऐसा वीडियो अलग है कुछ। अभी क्या लगा, एक्सपीरियंस क्या होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा तो नहीं डूबा, पैसा वसूल है? कोई और भी आ सकता है आपका? जो चाहिए मोबाइल टेक्नीशियन बनने के लिए वो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ में एक स्टूडेंट है, बताओ नाम। अभिषेक पांडे सर, यूपी से। अभिषेक यूपी से, यूपी में कहाँ से सर? सिद्धार्थनगर जिले से। क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले सर हम रिपेयरिंग करने लगभग 3 साल से। क्या करते थे रिपेयरिंग में? रिपेयरिंग में यही सर, होल्डर लगा देना, बैटरी कनेक्टर, सीसी, यही सब नॉर्मल काम। अब क्या करोगे जाकर? सर अब तो पूरा पावर और एवं से सब करना है ना, अंदाज लाइट पावर लाइट। क्या क्या काम किया पर? सर मैंने यहाँ पे सीपीयू निकाला, स्वाइपिंग भी किया, पावर भी लगाया, सब सक्सेसफुल। इससे पहले कभी किया? नहीं। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए, सबने किया हुआ है। हाँ सर, सबने किया। वेरी गुड, आपने अकेले तो नहीं किया? नहीं, सबने नहीं, किया है, पूरी क्लास ने किया। यहाँ का माहौल कैसा रहता है, स्टूडेंट का माहौल, स्टडी का माहौल, मतलब क्लास का एटमॉस्फेयर की बात करूँ, हॉस्टल की बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर लगता है किसी दिन, या ऐसा लग रहा है पका रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा सर बिल्कुल नहीं है। मैंने हाँ ऐसा सोचा जरूर था कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे बोरिंग हुआ, लेकिन क्लास में बैठने के बाद पता चला कि मैं जीरो था। अच्छा, ये मुझे पता चला। यहाँ के टीचरों का नॉलेज कैसा है? बहुत बढ़िया सर, और आपका तो कुछ सुपर ही। अच्छा, अभी आपको और भी बड़े बड़े टीचर मिलेंगे, हमसे भी बड़े बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा यूपी से अगर कोई आना चाहे तो क्या क्यों आए ये बताओ। सर बिल्कुल आ सकता है जी जी, और मैंने यहाँ आने से पहले मैंने बहुत चैनल पे मतलब वीडियो देखी, दूसरों से बात भी किया। हाँ। फिर मैंने एक चीज नोटिस किया वहाँ का सर कि उनका सिखाने का कुछ तरीका भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपका भी वीडियो कंटिन्यू देखा और वो लोकल टूल यूज करते थे। SMD मैंने उनका लैब में देखा और मुझे यहाँ जितना भी SMD लैब का देखा सब ब्रांडेड देखा, मशीन ब्रांडेड। मतलब ऑब्वियस है कि सही क्वालिटी का टूल यूज करोगे तो आउटपुट भी सही मिलेगा, आउटपुट सही मिलेगा। तो मैंने दो चीज नोटिस किया, आउटपुट टू एकदम टूल बढ़िया, नंबर वन आपका सर टेक्निक वीडियो पे मैं देखता था कंटिन्यू, बहुत अच्छा लगा। चलो मैंने ऐसे टेलीफोन, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे आइए। तो मेरे सारे के स्टूडेंट है यहाँ से, तो आइए। मात उतार दो बिंदास, क्या नाम है आपका? चावड़ा पाना। कहाँ से हो? गुजरात। गुजरात से इतनी दूर, दिल्ली सब पास में तुम्हारे यार, मुंबई पास में है, तो क्यों गुजरात, मतलब क्यों जबलपुर? सॉरी, एशिया टेलीकॉम में। एशिया टेलीकॉम में क्या लगा ऐसा, मतलब मुझे बताओ, सच बताओ, जो तुमने देखा वो बताओ। यूट्यूब पर देख रहा था, एशिया टेलीकॉम में बहुत वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने वहाँ। और भी तो वीडियो देखे होंगे, दोनों में फर्क क्या लगा, मतलब तुम्हारे गुजरात में भी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना। इधर क्या अच्छा पढ़ाते हैं, वीडियो में बहुत देखा, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए। तो जो जब तुमने बोला अपने घर वालों से कि मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, तो तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं बोला कि गुजरात में पढ़ लो, यहाँ पर तो इतना बड़ा, गुजरात तो मध्य प्रदेश से बहुत बड़ा है, डेवलप भी है, तो फिर क्यों क्यों तुमने क्या बोला? मैंने बाद में कहा घर वालों के सभी को, वहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा, मतलब मेन चीज पढ़ाई, स्किल, क्योंकि इसके लिए तो हिंदुस्तान नापना पड़े तो नापना पड़ेगा, क्योंकि यार स्किल नहीं मिलेगा तो फिर कहीं भी जाके पढ़ लो कोई मतलब नहीं है ना। तो कैसा लगा ऑल ओवर आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। पहले क्या काम करते थे? पहले फोल्डर चेंज कर। लाइफ क्या काम किया यहाँ पर?
4G CPU तक लगा चुके हो। और इसके अलावा आज डेट सेक्शन में क्या समझ में आया? डीसी रीडिंग डायरेक्ट सब चेक कर सकते हैं अपन। कोई नया गुजरात से आना चाहे तो क्यों आए बताओ अच्छे से? बिंदास आ सकता है, कोई घबराने की जरूरत तो नहीं। थैंक यू वेरी मच, आ जाओ। क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन किधर से आप सर? बैंगलोर से। यार बैंगलोर में तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, तो तुम यहाँ पे क्यों? नहीं सर, आपकी वीडियोस जो देख रहा था, जी जी, तो एक बहुत सारे वीडियोस मुझे अच्छे लगे। ओके। और आपकी एक वीडियो नेटवर्क की थी, WDR की, अब SDR भी आ रही है। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सक्सेस हुआ। बिल्कुल, जो वीडियो देख के मैं इतना बना रहा हूँ तो सामने जाके और कुछ सीख सकते हैं। हाँ सही बात। आप मुझे बताओ कि आपने कितना साल का एक्सपीरियंस है? सर मुझे है 4 साल का। आप मुझे बताओ कितना जरूरी है बेसिक? बेसिक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो यूट्यूब में है क्या? यूट्यूब में नहीं मिलेगा। क्या क्या यूट्यूब में नहीं है जितना आपने पढ़ा? आप मुझे ये कंपोनेंट्स जो आप सेक्शंस है वो यूट्यूब पे जितना भी पढ़ाया डेली में, क्या ये सब कुछ यूट्यूब पे है क्या? नहीं सर, यूट्यूब पे होता तो आप 2 दिन में भाग जाते। भाग जाते ही नहीं भाग जाते। हाँ, तो मुझे बताओ कि लाइव क्या काम किया आपने? लाइव और ऐसी किया, CPU किया, लाइव किया आपने। आप लाइव क्या करने वाले हो जाकर? अभी ब्लैक पेस्ट करने वाले हो? ब्लैक पेस्ट 12 डिजिट करने वाले हो? करने का अभी अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के करवा देंगे, आ रहा है। अब मुझे बताओ कि कोई नया ज्वाइन करना चाहते हो कि ज्वाइन करे? तो आ सकते हैं सर, बहुत सीखने को बहुत एडवांस भी मिलता है। लोग बोलते हैं कि चलो चार्जिंग वार्जिंग तो ठीक है बना लेता है कोई भी, पर डेट सेक्शन डायरेक्ट फायर डायग्नोस नहीं कर पाता। ये भी बहुत अच्छा चीज है सर, डेट सेक्शन का जो था। आज कितने सेट डायग्नोस करवाया आपके सामने? 80 मतलब आपको लगभग 70+ सेट डायग्नोस किया आज हमने, तो सारे सेट आपके सामने आप ही के सेट थे ना? हाँ सर, कोई ऐसा तो नहीं हमारे सेट के थे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हितेश कुमार है। हितेश कहाँ से है? वेरी गुड, यूपी से है। क्या करते थे आप पहले? मैं भी रिपेयर करता था। अच्छा, तो अभी क्या रिपेयर करते थे? सर जो ये बैटरी कनेक्टर चार्ज कनेक्टर वगैरह। तो अभी अभी क्यों लगा कि आईसी पे काम करना है? सच सर, आईसी पे काम करते थे, होते नहीं थे, मतलब सक्सेस नहीं होते थे। यूट्यूब देख के करते होंगे? हां सर, यूट्यूब देख के करते थे या ट्राई करते थे, वो सक्सेस नहीं होते। अभी क्या यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? मैंने सीपीयू करा है और ये पावर आईसी। ये झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर, यहाँ पे सबने किया है कि नहीं किया है? लाइव किया है। तो मुझे बताओ हितेश कि आपका जो डिसीजन था कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, फीस देता हूँ, चलो देखते हैं वहाँ की पढ़ाई, क्या रहा डिसीजन ओवरऑल? मेरा तो बहुत बढ़िया रहा सर, और मैं जो भी देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, जैसे मैं मतलब अपना टाइम स्पेंड ना करें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया लाइन में, और जो सीखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो अपने। अगर ये तुम 2 साल पहले अटेंड करते तो क्या होता सर? और उसी हिसाब से और आगे होते। मेरे साथ एक हादसा मतलब वो भी हुआ है, मैं बताना चाहूँगा, आपको भी शायद मालूम नहीं है। मैंने सर 2019 में 16 नवंबर को यहाँ फीस पेड की थी, लेकिन मेरा फरवरी में उस टाइम पर फरवरी का बैच मिला था 28 फरवरी का। अच्छा। लेकिन 28 फरवरी को मेरे कज़न की सिस्टर वो शादी लग गई थी, तो मैं उस बैच में नहीं आ पाया था, और मैं उसी फीस पर मैं अब आया हूँ। क्या बात है, मतलब उसके बाद दूसरी फीस भी तो नहीं ना? कोई फीस नहीं थी, किसी को नहीं मालूम। ये बात भी देख लो भाई। ये नहीं कि एक बार फीस अटेंड करने का दूसरी फीस ले ली। यहाँ पर स्टूडेंट के साथ में आप बताओ डिसिप्लिन कितना जरूरी है? डिसिप्लिन के बगैर तो कहीं कुछ नहीं, डिसिप्लिन तो जरूरी है। बच्चों का जो जब बच्चे हो या कुछ ऐसी चीज हो जो बगैर डिसिप्लिन के इधर-उधर भाग जाती है उनका डिसिप्लिन। मैं सच बताऊं आप लोगों का, आप सब लोग सुनिए, अगर मैं आपके कंधे पे हाथ रख के सिखाता तो आज आप यहाँ पे खड़े होकर ये नहीं दे रहे होते, आप मेरे साथ भाग जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोटोकॉल है वो निभा कर आप लोग चले। तो इसलिए हमने पहले फुर्सत में जब पहले बार आपने वीडियो देखा तो आपने देखा कि मैंने जोरदार ताली बजाई, वो इनके डिसिप्लिन और हार्डवर्किंग के लिए जो इन्होंने ताली बजाई। सो थैंक यू वेरी मच आपके लाने के लिए। अब मेरे साथ में यहाँ पर एक स्टूडेंट और है, आप क्या नाम है आपका? अख्तर जमील। अख्तर, अख्तर कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। क्यों आए जबलपुर? जबलपुर क्यों? सर अच्छा काम अपडेट होने के लिए। अपडेट होने के लिए। लाइव क्या काम किया? पावर आईसी सीपीयू काम किया। इससे पहले कभी किया आपने लाइफ में? ये जो भी किया कौन सी स्टेंसिल से किया सच बताइए? यूनिवर्सल। किस किस ने यूनिवर्सल से किया सीपीयू? ये देखो, ये नहीं, इनको कोई हमने पर्टिकुलर ईएमसी या सीपीयू का वो नहीं दिया। तो मुझे बताओ अख्तर कि यहाँ आने का डिसीजन सही है कि नहीं? सही सही, सही था। क्या बोलना चाहोगे नए लोगों को, क्यों आए नए अख्तर, क्यों आए कोई? झारखंड से। आप क्यों आए सर बताओ? ये सर मैं मोबाइल रिपेयरिंग का मतलब शॉप खोलना चाह रहा था। हाँ, तो मैंने एक दो वीडियो देखा, ज्यादा नहीं 4-5 ही देखे थे। तो हर जगह देखता था जी, और यहाँ का जब वीडियो देखा तो लगा कि यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, तो ज्वाइन किया।
तो आपने जब यहाँ आए और जब यहाँ पहले दिन और अब के दिन में, अब आपने क्या थिंकिंग है? यहाँ लग रहा है मुझे कि सब लगभग बराबर में ही है, जो नहीं जानते थे वो भी और जानते थे सो भी, थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। उसके पास हैंड स्किल है, हमारे पास हैंड स्किल नहीं है। हाँ। नॉलेज लगभग। पर एक बात बताओ, तुमने कभी इस पर फोन खोला था क्या पहले? कभी नहीं, कभी इसने फोन नहीं खोला आज तक। और आपने यहाँ पे लाइव क्या काम किया? लाइव सीपीयू और पावर है। जोरदार ताली बजाओ, कभी फोन नहीं खोला और यहाँ पर सीपीयू करके गए। ध्यान रखना यहाँ पर ये सारे जो स्किल वाले इनने भी यहाँ पे सीपीयू किया है सही तरह से वन टाइम में। कैसा लगा आपकी डेट क्लास, सच बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई फोन आपके पास डेड आए और कम बिल्कुल वो फोल्डर पूरा पैक होकर आए तो उसको डायग्नोस कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे। यहाँ पे कोई नया क्यों आए ये बताओ? सर बेसिक नॉलेज से शुरुआत होती है जी। एंडलेस सर, अगर पहले दिन ही मैं आपको मेंस उतरवाता या कुछ करवाता तो आपको समझ में आता है? नहीं, नहीं, मुझे अब तक जो भी सीखा मैं लगता है मुझे कि मैं मुझे लगता है एक सवाल आपसे पूछना कि हो सकता है कहीं आपको लगे कि हम बहुत कड़क हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, पर क्या इसको डिसिप्लिन बोल सकते हैं? बिल्कुल डिसिप्लिन तो बोल सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत ही पढ़ाई किया, मैंने सब जगह जी जी डिसिप्लिन जहाँ नहीं रहता वहाँ पे तो दिक्कत होती है। ऑब्वियस है क्योंकि जब अगर हम डिसिप्लिन नहीं, अब डिसिप्लिन क्या होता है देखो समझो, अगर मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि 12 बजे क्लास है तो 12 बजे आ जाना है, मैं क्लास चालू कर दूंगा, तो हो सकता है अरे ये तो टीचर ऐसा है। पर अगर मान लो मैं ये नहीं बोलता तो क्या पता है स्टूडेंट 12 बजे बैठे और टीचर खुद 1 बजे सोकर आ रहा हो, टीचर खुद 12:30 बजे आ रहा हो। मतलब एक होता है जो रूल्स मतलब सबके लिए एक जैसे हैं, यहाँ तुम्हारे लिए जो है हमारे लिए वो है। डिसिप्लिन एशिया टेलीकॉम में कितना है सच बताओ? बहुत ज्यादा है यार। आज सुबह खाना कब खाए? अभी खाए, आधे घंटे पहले। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे के स्टूडेंट है, आओ करे हो प्यारे बिल्कुल स्माइल के साथ, आज जैसे तुम्हारी शादी है ऐसे जिंदगी में मुस्कुराना सीखो। क्या नाम है? जगत कुमार। जागेश्वर कुमार, कहाँ से हो जागेश्वर? वहाँ देखो कैमरे में, तुम्हारे को कैमरे में देखना, चेंज करवा दूंगा। क्या करते थे इससे पहले? चार्जिंग आईसी, कुछ नहीं करते थे मतलब इससे पहले? सिर्फ मोबाइल की दुकान में बैठते थे खाली। आप बताओ क्या सीखे यहाँ पर, क्या क्या सीखे, लाइव क्या काम किया? 4G सीपीयू लगाए कि नहीं? जगत जागेश्वर के लिए ताली बजाओ जोरदार। ये लड़का अच कुमार, क्या करते हो आप? मोबाइल रिपेयरिंग। कितने साल से? 5 साल। क्या करते थे उसमें? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करते थे। चलो तो राजकुमार मोबाइल रिपेयरिंग में सीसी फोल्डर का, सच होता आईसी पर काम किए कभी? यहाँ पे लाइव क्या काम किए? 4G आईसी सीपीयू। जो सोच रहे थे कि मैं क्या सोच कर आया था कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा, सच बताना? सोच के तो आए थे पर उतना उससे ज्यादा मिला, उससे ज्यादा मिला। आज क्या काम किया आज? डेड मोबाइलों को जो भी था वो डायग्नोस करना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं तुमको अगर तुम्हारे को कोई डेड दे दूं और डीसी मशीन दे दूं तो उसमें फॉल्ट बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हैं। खंडवा से कोई नवा आए तो क्या बोले? आ सकता है, आ सकता है। चलो ठीक है। मुंबई, मुंबई लोकल से या बाहर से? लोकल। मुंबई में कहाँ? मुंबई में सर मानखोड़ इलाके। अरे वाह, तो मुझे बताओ ताहिर कि मुंबई यार इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा मतलब स्टेट है, तो देखा जाए तो नगरी है, तो सपनों की नगरी है, तो फिर तुम छोटी मोटी जबलपुर में क्यों आ गए? सर वहाँ मैंने मनीष मार्केट जो थी जी में काम करता था। हाँ। लेकिन वहाँ आईसी का काम देखता था, उन लोग में से बहुत आगे थे। हाँ। तो मैं सोचा मेरे को भी आईसी का काम अच्छे से एंडलेस सीखना है। हाँ। क्या होता है। हाँ। इसी वजह से चला गया। तू इतनी दूर क्यों आ गए यार, कहीं और चले जाते पास में? लोग का वीडियो देखा। हाँ। इसके वजह से आया। आप वीडियो में इतना अच्छे से समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, मतलब मैं जब वीडियो में इतना समझ सकता तो मैं इधर जाके कितना। तो आप ये बताइए कि ताहिर जी कि यहाँ जब तुम आए तो और अब तुम क्या अंतर है तुम्हारे में, सच बताओ? मुझे तो कंपोनेंट्स नहीं पते थे सही। हाँ। और आईसी तो दूर की बात है जी, कंपोनेंट्स के नाम नहीं पते थे और शुरू से लेके आईसी तक। आपने माइक्रो जंपिंग की, आपने कनेक्टर बदले, आपने हर सेक्शन पर काम किया, वो चाहे WTR हो, वो चाहे BQ हो, या वो चाहे डिस्प्ले आईसी हो, वो एक रिंगर आईसी हो, वो एक BSI की सप्लाई हो, आपने आईसी पैड लाइन चेक करनी सीखी, आपने आईसीओ को ये पढ़ना सीखा कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपने पता किया कि कौन सी आईसी DC to DC कहाँ है, कौन सा पावर किधर है, प्राइमरी किधर है, CPU कौन सा लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल अब बनेगी कि नहीं बनेगी? मुझे बताओ आज क्या किया आपने, आज की क्लास बताइए। आज मैं सर डेड डायग्नोस किया। आज कैसा लगा सच बताओ? डेड डायग्नोस बहुत अच्छा, मजा आया कि नहीं आया? मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि डेड डायग्नोस एक वो होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या डेड डायग्नोस हो नहीं पाते हैं, लोग अनुमानित काम करते हैं, या तो ये या तो वो, या तो कभी ये निकाल देंगे, पावर सही भी है तो भी पावर निकाल देते हैं,
हम निकालेंगे क्या? हाँ सर, हम पावर अब नहीं, अब नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। मेरे पास एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। अंकित। अंकित किधर से हो आप? राजस्थान। राजस्थान से, वेरी गुड। कहाँ हो राजस्थान से? राजस्थान भिलवाड़ा। भिलवाड़ा आप, मैं भी राजस्थान से, अंकित धौलपुर। मुझे बताइए आप कि अंकित क्या करते थे? सबसे पहले मैं कुछ नहीं करता था, खाली बस ग्रेजुएट है। मतलब आप बिल्कुल मुबारक रिपेयरिंग की फील्ड के अलग हो। अंकित यहाँ पे आपने लाइफ क्या काम किया? लाइफ पावर आईसी निकाला। आपने भी लाइफ किया यहाँ पर? क्या किया लाइफ, बताओ? लाइफ पावर आईसी सीपीयू। ठीक है, वेरी गुड। आपने लाइफ पावर आईसी सीपीयू किया? हाँ सर। सच बताओ? हाँ सर। अंकित ने किया है क्या? यस सर। एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्यों, कौन सा सिखाया? एशिया टेलीकॉम ने। हमने नहीं सर, एशिया टेलीकॉम ने सिखाया। एशिया टेलीकॉम, ये बताओ, हर स्टूडेंट को सिखाने लायक है कि नहीं? सिखाने लायक है। सिखाने लायक है, वो सीखने की चाह रखता है। ठीक, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल। यहाँ बिना मेहनत करने वाला रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। अंकित भागे हैं बहुत सारे। बिना मेहनत करने वाला नहीं रुक सकता है, और मेहनत वही कर सकता है जिसको अपनी लाइफ बनानी हो, है ना अंकित? तो मुझे बताइए कि अभी कोई नया आया है वहाँ, जहाँ भी आप रहते हैं राजस्थान से, तो वहाँ से कोई नया आया है तो क्यों आया, बताइए? राजस्थान में कहाँ से? जयपुर। क्या बात है यार, मतलब जयपुर आना है तो राजस्थान राज से जरूर मिलूंगा फिर। राज मुझे बताओ, जयपुर में क्या करते थे आप? मोबाइल में क्या करते थे? नॉर्मल काम करते थे। कभी सीपीयू पर काम किए? यहाँ लाइट का काम करके गए? सीपीयू। आपने रिबोलिंग बहुत टाइम की होगी ना, यहाँ पर आने का डे वन से रिबोलिंग की है? बिल्कुल। आप, अगर मैं आपको कोई भी आईसी दे दूँ तो यूनिवर्सल रिकर रिबोल कर लेंगे कि निकल लेंगे? तो मुझे बताओ आज यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। बताओ देखकर, मतलब क्या क्या सीखे यहाँ पर अब तक? एंडलेस काम सीख लिया। पहले नॉर्मल मतलब बेसिक की भी नॉलेज नहीं थी। हाँ, यहाँ पे बेसिक में भी डीपली समझाया। बेसिक में भी डीपली समझाया, मतलब एक बेसिक होता है डीपली। क्या यहाँ पे यूट्यूब का ज्ञान देते हैं क्या यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो दुकान वाले होते हैं तो बोलते हैं यार भाई अपना पैसा इंस्टीट्यूट में मत खर्च करो, क्या राज ऐसा सही है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। बिना उसके तो ज्ञान मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपका ये सोचना है क्या? आप लोग इतनी दूर यहाँ पे क्यों आए, इतने सालों बाद? इतने सालों बाद यहाँ देखो, राजकुमार यहाँ पर आया फर्स्ट टाइम। राजकुमार में दो साल में बहुत अंतर होगा अगर वो कंटिन्यूस काम करेगा। करेगा नहीं क्या राजकुमार? मुझे बताओ नया कोई अगर आया राजस्थान से क्यों आया? बिल्कुल आ सकता है सर, अगर एंडलेस सीखना है। चलो थैंक यू वेरी मच। अशोक मुझे बताइए, राजस्थान में क्या करते थे आप? पहले से काम था, थोड़ा पास आइए। पहले से काम था, क्या करते थे काम में? पहले मैं नॉर्मल आईसी वगैरह हटा लेता, वापस लगा लेता, उनका नॉलेज नहीं था मुझे। नॉलेज है, पीसीबी देखने का मतलब ये भी नहीं पता था कौन सा आईसी सेक्शन किधर है, ट्रेसिंग वगैरह ये नहीं था? अंदर आईसीयू के पैड लाइन कभी चेक किए कभी लाइफ में? नहीं किए। यहाँ पर आप चेक किए कि नहीं किए? आप चेक कर सकते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर लाइव सीपीयू लगाया कि नहीं लगाया? यहाँ पर लगाया है। और आज की क्लास में क्या किया हमने? आप डेट सेटों के बारे में जाना है, पहले अपने बाद डेट सेट आते थे वापस रिटर्न कर देते थे, अब रिटर्न नहीं होगा पक्के से बताओ यहाँ पर? हाँ सर, अब रिटर्न नहीं होगा? नहीं सर। अगर तुम्हारा क्या है, जगह कहाँ है, शॉप किधर है तुम्हारी, बताओ दुकान का नाम? श्री बालाजी मोबाइल जोधपुर। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई सेट लेके आया है तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मुझे बताओ एक खास चीज़ जो एशिया टेलीकॉम में है, बाकी आपने यूट्यूब में देखी हो क्या, बाकियों में अंतर है, हमारे में अंतर बता दो सर। यहाँ देख कर बताओ, थोड़ा आपको समझाने का तरीका बहुत अलग है। अच्छा। हाँ सर, हाँ सर, साधारण सा तरीका है। और एक और खास चीज़ बताता हूँ कि आपको यहाँ जो टाइमिंग मिल रही ना, वो हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। पहली बात, 8 से 8 तक कोई टाइमिंग नहीं दे सकता, कोई बिठाकर आपको सिखा नहीं सकता। यहाँ पर ये हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं और 5 घंटा, और स्टूडेंट पीछे क्या करता रहता है उनको पता ही नहीं रहता है। तो 90% इंस्टीट्यूट टाइम कभी नहीं देते अपने बच्चों, हमें टाइम देते नहीं है कभी। और यहाँ पर कोर्स का कंटेंट सबसे ज्यादा है। आपसे कलेक्टर एक किस किस से माइक्रो कंपनी आपने हाथों से किए ना यार, सबने किए कि नहीं किए? किस किस ने किए, हाथ बंद करे करो। यहाँ पर लोग है ना सिर्फ दिखा देते हैं इंस्टीट्यूट में, ये तो ऐसा गोला बनता है जलेबी, कल लोग यहाँ से कर लेंगे, ऐसा होता है इंस्टीट्यूट में। जो इंस्टीट्यूट से है ना 2-3 पढ़ कर आए ना, उनको समझ में आता होगा कि कैसा फेरी वाले करवाते हैं। यहाँ बताओ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तुम्हें पढ़ाने के लिए? बहुत अच्छी है पढ़ाने, बाकी में रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? नहीं, जो ट्रिक दे रहे हैं वो अच्छी दे रहे हैं। अच्छी दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थैंक यू वेरी मच। सर यूपी से? यूपी से। जबलपुर क्यों? सर जबलपुर, सर हम नया शॉप डालने चाह रहे थे मोबाइल का जी। तो सर मेरा भाई छोटा है, उसने कहा अगर आप एसेसरीज का डाल लें तो आप रिपेयरिंग भी डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिपेयर करने वाले बड़े हैं, टेक्नीशियन नहीं है।
और आईसी लेवल काम नहीं करते। अरे वाह। और सर वो जो लोग हैं जो दुकानदार हैं सब जाते हैं थोड़ा दूर, तो वो तो तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा जी सर, कि अगर उनको पता चला कि तुम आईसीआर निकाल रहे हो लगा रहे हो तो सारे सर तुम पे लाएंगे जी सर। मुझे बताओ सत्तम क्या लगा यहाँ आकर ज्वाइन करके, सही किया कि गलत किया सर? एकदम बेस्ट, एकदम सही। सत्तम अभी आप लाइव भी चल रहे हैं, दिखाओ यहाँ पे, ये देखो लाइव। अगर ये एडिट होगा वीडियो तो एडिट में हम आपसे बुलवा सकते थे, लाइव बुलवा सकते हैं क्या? नहीं सर। लाइव यहाँ पे किसी स्टूडेंट से कुछ बुलवाया जा सकता है क्या? नहीं बुलवाया जा सकता। सब बहुत बड़े 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 स्टेट से आए हुए हैं, बड़े बड़े दुकानदार है भाई। मुझे बताओ सत्तम कि एसर टेलीकॉम वाकई में सिखाने लायक है कि नहीं? बताओ सर, एक नंबर है सर, यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन वो भी बड़े हैं और सर आप भी बड़े हैं, एक नंबर आप पढ़ाते हैं सर। अच्छा, गोरखपुर क्या करते थे आप? सर मैं पहले घर पे रहता था, मतलब घर पे रहते थे, घूमते फिरकी मारते थे? नहीं नहीं, वो पढ़ाई दसवीं। अच्छा, दसवीं की पढ़ाई कर रहे थे। और कितने साल के हो सर? वही 18-20 साल। 18-20 साल, 18 या 20? वही 18 माल लो, 18 साल माल। तो अभी बताओ कि इतनी दूर माँ बाप ने कैसे भेज दिया भाई तुम? या तुम घर पे बोला मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, जो वो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मुझे मेरा शौक सीखने का पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा था? हाँ इंटरेस्ट आ रहा था, तो मुझे मैं बोला घर पे मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, वो लोग बोले कि कहाँ सीखोगे क्या करोगे, तो मैं बोला कि जबलपुर में एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ का वीडियो मैं रोज देखता हूँ यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है, वो वीडियो वहीं पे जाके सीखूंगा। तो फिर वो बोले कि जाओ फिर सीख लो। अरे यार वेरी गुड, इनके इनके घर वालों के जोरदार ताली बजाओ, इनके घर वालों के लिए। मैं बताओ कि वाकई में यहाँ आने का डिसीजन, अब तुम अपने घर वालों को देखो, तुम्हारे वो देख रहे होंगे घर वाले, सही था कि नहीं सही था यहाँ? सर एकदम सही था, एकदम सही था, एकदम सही था। मैं जितना और पहले आ गया होता तो और अच्छा होता। लाइव क्या किया यहाँ पर? लाइव हमने सर सीपीयू रिबोलिंग किया, फिर से आईसी को लाइव बैठाया, निकाला लगाया रिबोलिंग करके। वेरी गुड। और आज आज क्या किए? आज हम लोग डेड डायग्नोस का, डेड डायग्नोस में अब जो भी मैंने चीज बताई है वो आप लोग, आपको समझ में आई कि नहीं? पूरा समझ में आया सर, पूरा समझ में। कोई फोन है मैं मतलब 5 मिनट में चेक कर लूंगा उसमें क्या फॉल्ट है और उसको बनाने में जितना टाइम। आज कितने सेट डायग्नोस किया आपके सामने? सर 80-70 प्लस, मतलब 60-70 प्लस ही डायग्नोस, सारे सेट आप ही के थे? बहुत सारे सेट इसमें कुछ बचे हुए हैं जो सॉर्टिंग के हैं, और सॉर्टिंग के डायग्नोसिंग में ही होती है, सॉर्टिंग में सॉर्टिंग चेक होती है जो कि कल की क्लास में होगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बैठिए। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? सर कृष्णा। कृष्णा किधर से? वेस्ट बंगाल से। वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। कृष्णा आप ये बताइए कि वेस्ट बंगाल से यहाँ क्यों? सर इधर एक अच्छा ट्रेनिंग सीखने के लिए। वहाँ पे काम क्या करते थे? सर कपड़ा का दुकान है। कपड़ा का दुकान है, मतलब तुम बिल्कुल नए हो क्या इधर? नया हो। तो ये बताओ कि तुम नए हो तो तुम्हें कैसा लगा कि रिपेयरिंग की फील्ड में चले जाएं? देखो बहुत लोग देख रहे हैं, बताओ। सर रिपेयरिंग में देखा था अच्छा है, लेकिन हम लोग का उधर रिपेयरिंग का शॉप नहीं है, इसलिए मैंने उधर जो रिपेयरिंग होता है दूसरा शहर में जाके आता था। एक रिपेयरिंग मोबाइल देने के लिए 4-5 दिन 10 दिन रिपेयरिंग करके देता था, इसलिए हम लोग का गाँव में रिपेयरिंग का शॉप नहीं है, इसलिए शॉप खोलने के लिए मैं इधर आया। तो आपने वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं सिखाया? वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ, तो उधर सीखने का तरीका अलग है, लेकिन इधर बेस्ट है, इसलिए यूट्यूब देख के मैं इधर आया। तो अभी कैसा फील हो रहा है सर, बताओ? बहुत अच्छा सर। अभी आपने शुरुआत से थ्रू आउट, कहीं ऐसा तो नहीं नकली पढ़ा रहे हैं, बैठा रहे हैं, 2 घंटा बुलाते हैं फिर बाद में घर में ही सोते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बहुत ट्रेनिंग क्लास अच्छा है, लेकिन इधर में जितना मैं कंपोनेंट का वो अच्छी रिबोलिंग करके लगाया। लाइव क्या किए? लाइव रिबोलिंग करके आईसी को लगाया, सीपीयू फोर जी किया आपने? लाइव 4G लाइव किया। ए बार जोरदार तालियां इनके लिए। महेंद्र कहाँ से आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपने एयरटेल टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया? सर मैं आपके वीडियो पहले भी देखता था, तो मुझे लगा कि आपके वीडियो से बहुत और भी तो देख रहे होंगे, और भी तो आउटपुट मिल रहे होंगे, फिर आपने क्यों लगा कि एयरटेल टेलीकॉम ही करवा देगा? आपका जो वीडियो वगैरह देखता था मुझे ऐसा लगता था कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, यह लगता है कि नहीं यार यहाँ सीख जाएंगे, ऐसा एक वाइब्रेशन फील होती थी। आज बताओ महेंद्र यहाँ आने के बाद क्या फील होता है? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। पहले थोड़े छोटे मोटे काम करता था, पर अभी लगता है कि। लाइव क्या काम किए? मैंने लाइव 4G CPU पावर IC लाइव सेट से, क्योंकि हमारा अभी ब्लैक पेस्टेड का नहीं हुआ, तो मैं कसम बता रहा हूँ क्या हम चाहते, हम पहले सोच रहे थे कि इनसे तीसरे दिन में ब्लैक पेस्टेड करवा लें, पर वो हमारे MMC का कंसेप्ट आता है, तो इसलिए हमने ना हमेशा MMC में करवा देते हैं, नहीं तो आज ये बोल रहे होते कि ब्लैक पेस्टेड भी निकाल के CPU लगाया। तो मुझे बताओ कि यहाँ का पढ़ाने का टेक्निक कैसा है, और यहाँ कोई नया बच्चा है तो क्यों आए बताइए? बहुत बढ़िया सर, यहाँ का टेक्निक बहुत डीपली लेवल से सिखाते हैं, और एंडलेस जो भी प्रॉब्लम होगा एंडलेस तरीके से बताते हैं। यहाँ नए सेटों में बताते हैं, पुराने सेटों में तो नहीं बताते? CPU वाइज बताते हैं ना यहाँ पर सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट आ जाओ आगे,
तो मेरे साथ अपना नाम बताइए। आकाश सर। आकाश कहाँ से हो? असम से सर। असम से, वाओ। आपने क्या काम क्या करते थे आप असम में? पहले सर मोबाइल का छोटा मोटा काम करते थे, सीसी वगैरह बस वही सर। बाकी सब जैसे डेट सेट अगर आ गया तो सर फंस जाते थे, क्या कुछ मालूम नहीं था। ज्यादा ज्यादा बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते थे। 3.7 आ रहा है ना आकाश? शॉर्टिंग वॉर्टिंग चेक करते थे, रोजिंग बिछा देते थे। ये तो कर बेसिक काम है। आकाश आज बताओ अब कैसा फील हो रहा है एसर टेलीकॉम में? आज तुम्हें लगभग 12-15 दिन हो गए मेरे। सर अभी सर जिस दिन आए थे जी और आज बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। लाइव क्या काम किए सर? सीपीयू बोल करके लगाया, पावर एसीपी आपने खुद किया? खुद किया। तो आपने खुद किया तो आपको पता होगा कि कितनी हीटिंग की है, मैंने कौन सी स्टेंसिल में कैसे रखा है, कितना पीपीडी लगाया है, क्या पीपीडी को मैंने मेल्ट किया, सारी चीज आपने नोटिस की है ना, कितनी आपने टेम्परेचर रखा। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं? वेरी गुड। और यहाँ पे जो थ्योरी है और यहाँ जो प्रैक्टिकल है, दोनों चीज करनी मिलती है कि नहीं मिलती है सर? कुछ भी अगर हम थ्योरिकल पढ़ाते हैं तो उसमें भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं? और उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम देते हैं यहाँ पर? आज क्या किया हमने बताइए सर? डेड डायग्नोस किए सर। हाँ आज डेड डायग्नोस कितने किए सर बताओ? पॉसिबल है क्या? करते ही नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है ना, इतनी एनर्जी है यार। टीचरों में दम है कि नहीं है पढ़ाने का? बहुत दम है सर। हाँ बहुत दम है। दम है सर। कैसे आए, नवा क्यों आए कोई यहाँ पे, नया क्यों बंदा कोई आए बताइए सर? अगर सर सही से सर सीखना है जी, कस्टमर का उल्लू नहीं बनाना है, यहाँ से सीख के जाना है सर। हाँ और यहाँ पे अपडेट होने के लिए भी आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे सर। वेरी गुड, बैठिए आ जाओ। क्या नाम है? संदीप। दीप। वेरी गुड। दीप आप मुझे बताओ कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। और ये बताओ कि यहाँ पे क्यों आ गया इतनी दूर से? YouTube से बहुत दिनों से वीडियो देख रहा था। हाँ तो YouTube में तो और भी, मैं सबसे यही कह रहा हूँ सर, सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का रिव्यू आता है वो और कहीं पे नहीं देता। और कॉन्फिडेंस और लाइव भी आते हैं, लाइव देते कि नहीं देखते थे? आज भी लाइव चल रहा है, दिखाओ जरा। ये देखो लाइव चल रहा है। संदीप लाइव कौन आ सकता है सच बताना? जो सर सच में सिखाते, जो दम है जितना और जो सच है, जो बाकी में काम बताया है, क्योंकि लाइव तो वही आएगा ना। लोग बोलेंगे चलो एडिटिंग कर लिया, अरे एडिटिंग तो लाइव में कैसे एडिटिंग कर लेंगे? मुझे बताओ दीप कि नवा बंदा क्यों आए और यहाँ पे क्या उसको मिलेगा जो तुमको मिला? सर यहाँ पे पूरा इंग्लिश बताया जाता है, जैसे कि माइक का एक टिप्स है वो आईसी तक एंडलर, हाँ पैड तक, हाँ वहाँ तक पूरा बताया जाता है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बोर्डियो का हार्डवेयर सोल्यूशन दिखा देते हैं खाली, ये देख लो वो लाइन यहाँ तक जा रही है, हो गया हाँ चले बना लेना, ऐसा नहीं है यहाँ। अच्छा सब बता रहा अच्छे से है, सब लोग देखिए, सब लोग इधर देखो, सब लोग बताइए कि क्या मैंने यहाँ पे बोर्डियो को गलत कितनी बार बताया है? यहाँ पर बहुत बार बताया ना कि बोर्डियो आधा अधूरा काम करके देता है। बोर्डियो बनाते कौन है? बच्चे बनाते हैं बोर्डियो। बोर्डियो बनाने वाले सुन लो कि बच्चे बनाते हैं बोर्डियो। हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बोर्डियो क्या है? आईसी निकाल के लाइन पैड को ट्रेस करना और एक सॉफ्टवेयर का काम है सर, पूरा खेल। थैंक यू वेरी मच, बैठो मेरे साथ, हो गई वाली लाइन, आ जाओ आगे, आ जाओ एक मिनट पीछे वाली लाइन आगे आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है सर? रोहित। रोहित कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप इतनी दूर से क्यों सर? सर हमारे नागपुर में भी ऐसा इंस्टीट्यूट लेकिन मैं वहाँ पे हमारे जिस सिटी में रहता हूँ सर, वो सिटी से भी सीख के आए हैं सर नागपुर में, ठीक है, तो बेस्ट काम नहीं कर रहे। अच्छा हाँ सर, बेस्ट तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? एंडलेस ये होता है कि अगर मेरे पास एक बैटरी का एरर आया तो मैंने आखिरी तक क्या क्या लाइन चेक करनी है, वो एक ही पैड कहाँ जा रहा है उसका, उसको एंडलेस कहते हैं। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ लाइन क्या काम की? सर 4G IC लाइन। उससे पहले लगाया कभी? नहीं सर, इसके पहले कभी नहीं लगा। कभी लगाया? इसके पहले सर करता था सर। कोशिश तो की होगी? कोशिश की सर, लेकिन हिलती भी नहीं थे सर जगह से। अरे टच भी नहीं होती थी, जल जाते थे। मतलब एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता था तो चक्कर में भी कस्टमर का काम क्या कर रहे थे? हाँ सर, डायग्नोस कर दे पाते थे क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं। आप करेंगे क्या? हाँ सर, हमारे जो सिटी है सर वहाँ पे शॉर्टिंग डेट कोई भी मोबाइल नहीं बनाते सर, डायरेक्ट हीट मार दी तो खराब होगी। नाम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाएंगे। एसर टेलीकॉम का नाम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सर बनाएंगे। वेरी गुड। और नया कोई आए तो क्या सीखने को मिलेगा? बिल्कुल आ सकता है सर, यहाँ पे एंडलेस काम होता है सर और चिप लेवल का काम होता है। और बिल्कुल सर, सर किसी को अगर आता नहीं है तो सर आगे बेटा के सर उसके कराते हैं सर। चलो थैंक यू वेरी मच। बड़ा भाई का शौक था सर, उधर मैंने बोला कि मेरे को भी सीखना है। हाँ वो बोला कि एशिया टेलीकॉम जाते हो। हाँ हमने वीडियो देखा सर, अब बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा विशाल, आपने ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा ही देखा है, सबका भी देखा होगा, यूनिक क्या लगा? पढ़ाने का तरीका। अब आपने यहाँ पहले दिन आया तो डर तो लगा होगा? लगा डर लगा।
आप मुझे बताओ अब वो डर निकला कि नहीं निकला? कब निकल गया था? पहले दिन के बाद से तब बताना। फोर जी सीपीयू लगाने का निकल गया था कि यार ये सीपीयू भी कड़वा रहे है ना, तो कॉम्पोनेंट सीपीयू ट्रेसिंग या ट्रेसिंग में भी बहुत सारी टेक्निक आपको दी, उसके अलावा बात करें बहुत सारे डायग्राम्स बताया आपको, हर सेक्शंस के टाइम पे आपको प्रैक्टिकल करने मिले, हर दिन आपको प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पर नया कोई नेपाल से आना चाहे तो क्यों आए? जो कुछ भी आना है अपने नेपाली में बोलो कि तुम नेपाली हो, नेपाली भाषा में बताओ। यहाँ काम राम्रो हुन्छ, यहाँ जो आउनु सिक्न चाहनुहुन्छ जो भी आउनु सक्नुहुन्छ। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ में एक पंजाब से आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आइए सर, तो आपका नाम क्या है? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह जी आप बताओ कि आप कहाँ से हो? पंजाब। पंजाब में कहाँ से? नमाशा डिस्ट्रिक्ट बलाचौर। क्या करते थे आप? मेरी शॉप है सर 10 साल पुरानी। अच्छा, क्या मतलब उसमें क्या काम करते थे? उसमें मैं सभी काम करता था। हाँ, बेसिकली जो होता है काम मतलब रिपेयरिंग के रिलेटेड। कहाँ फंसे रहते तो आपने लगा कि नहीं हमने तो यार बेसिक से ही ज्वाइन करना है, क्यों ऐसा लगा? सर मैं 6 महीने से था जो बिस्तर पे था, बीमार था। हाँ, तो उसी दौरान मैंने आपकी वीडियो देखी। हाँ हाँ, तो अभी मैं शॉप खोला नहीं 6 महीने। अरे बाप रे, तो अभी मैं सीधा इधर ही आ गया जस्ट अपडेट होने के लिए। अभी ठीक है आप? हाँ ठीक। तो अभी तो ऑब्वियस है कि ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थ्रू आउट इनके लिए जोरदार ताली बजाया, कमबैक करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बताओ यशपाल जी, आपने यहाँ पर जो भी चीज़ ली, जो सोचा, वो बाकी मैं एक सच बताओ, व्यूवर्स देख रहे हैं उनको बताओ, मेरे को भूलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ सर, मैं बोलना चाहूँगा कि जो सोच के आया था वो मिला जी, और उससे ज़्यादा मिला। यहाँ ठगे नया ठगबाजी तो नहीं है? नहीं, ठग वही बन सकता है जिसने सोचा हो कि बच्चों को ठगना है। हाँ, हाँ। आपने सोच रखा है कि पढ़ाना है, हाँ, तो कुछ देना है। हाँ, तो वो दे रहे हैं। वेरी गुड, दे रहे हैं। आपने लाइव 4G पे भी काम किया, इनका वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं। तो डेली जो भी काम बताते हैं यहाँ पर, जो लेटेस्ट मार्केट में काम आ रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, लेटेस्ट ही चल रहा है। लेटेस्ट ही चल रहा है। आप बताओ आज आपने क्या किया, क्या चेक किया आपने? आज जो था सर डेड का था। हाँ, पूरा डेड। तो डेड एक बहुत दिमाग में रहता है कंसेप्ट कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा, फॉल फाइंडिंग नहीं होती है, शॉर्टिंग तो कैसे भी करके निकाल ही लेता है, क्योंकि मान लो अगर शॉर्टिंग है और वो नहीं मिल रहा हीटिंग, तो वो एक एक आईसी को निकालता जाएगा, तो आखिरी में तो एक टाइम पर निकल ही जाएगी। पता ना जब शॉर्टिंग नहीं है, अब ये रीडिंग कितनी ले रहा है, क्या ले रहा है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। वो कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं? होता डायग्नोज में ज्यादातर मोस्टली जो टेक्नीशियन है वो फंसते हैं, कि पावर एसी का गेम है, कि बीपीएच नहीं है, क्या लाइन है, एमएमसी का फॉल्ट है। आज डायग्नोज में कैसा, आज कितने डायग्नोज सेट किया आपने? सर डायग्नोज तो 80 सेट थे, उसमें से ज्यादातर डायग्नोज किए यहाँ पर। वो सेट आपके सामने रखे, उसमें आपके भी सेट है क्या? नहीं सर, मैं काम पे नहीं गया तो मैं लाया नहीं था, बाकी लोगों का सेट। तो उसमें सीख मिली कि नहीं मिली? हाँ सर, मिली यहाँ पर। कोई अगर नया आए, फ्रेशर आए, या आप जैसा कोई ट्रेनर आए, वो ट्रेनी आए, तो मतलब जिसको मैं बोलूँ जो प्रोफेशनल है, तो यहाँ से सीख सकता है कि नहीं सीख सकता? हाँ सर, अपडेट हो सकता है। अपडेट हो सकता है, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज़, जो उसके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, डाउट कोई नहीं रहेगा। डाउट कोई नहीं रहेगा, बाद में आपको फिर अपडेट के लिए भी आना रहेगा। जी बिल्कुल आना। झारखंड से इतनी दूर क्यों? अपडेट होने के लिए। तो आपने क्या काम करते थे उससे पहले? काम तो कर लेता था लेकिन सही डायग्नोस वगैरह नहीं कर पाता, नहीं कर पाते थे। सीपीयू कर लेते थे क्या इससे पहले? सीपीयू नहीं, यहाँ पे लाइव सीपीयू किया कि नहीं किया? मतलब यहाँ पे आपने लाइव सीपीयू किया तो इस तरह से सीपीयू में अपडेट हुए। आईसी रिबॉलिंग तो आप चलो कर लेते होंगे। तो और ट्रेसिंग की बात करें, या पैड लाइन चेक करने की, या डायग्राम पढ़ने की, सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिला कि नहीं मिला? कैसा है यहाँ पे टीचर का नॉलेज पढ़ाने का? अच्छे अपने दिल से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छे दिल से बताओ, खुल के बताओ कि आप क्या सोच के आए थे, क्या मिला? देखो लोग देख रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया कह के तो मजा नहीं आएगा सर। जितना सोचे थे उससे ज्यादा मिला। हाँ, बस इतना ही कहेंगे। अच्छा, जितना सोचे थे उतना ज्यादा मिला। अभी पहले डर तो लगा होगा ना पहले दिन? शुरू दिन तो लगता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब लगता है कि हाँ सही जगह पर, सही जगह पे आए। पैसा वसूल हुआ कि नहीं? वसूल बोले आपको, कब का पैसा वसूल हो चुका? थैंक यू। वर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। तो मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आया, तो आने से पहले मन में था, डर था भी यार। पहले तो फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी। दूसरा यहाँ आने का कारण यही था, मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में नहीं था। मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, मैं उनके काम में था। तो मुझे लगा जिस मार्केट से सभी ने पैसा कमा कर खाना है, पन्ने के सारे ने, तो मेरे दिमाग में ये था भी 5 साल बाद अगर मैं मार्केट में दोबारा बैठूँ तो मेरे को ये ना हो मेरे पे कोई कमी हो। तो मुझे यही इंस्टीट्यूट ऐसा लगा जहाँ पर मैं अपडेट हो गया। बाकी सब शॉर्ट के लिए और भी होंगे इंस्टीट्यूट, हम भी देखते थे वीडियो, बट शॉर्ट नहीं है यहाँ पर। जो एक्चुअल है पढ़ाई, हमें तो पढ़ना है, 30 दिन है, 30 के बाद 31वें दिन यहीं नहीं रहेंगे। हो सकता है हमें कोई भी पढ़ाई में हमें 101% वाली क्वालिटी मिली। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही कहूँगा भी जो पंजाब से आना चाहते हैं,
जरूर आए सर का पढ़ाने का बहुत ही बहुत 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 धन्यवाद दिया, क्योंकि पढ़ाई पैसे देकर मिल सकती है बट जो एक उस्ताद का गुण है वो पैसे से नहीं मिल पाता। थैंक यू वेरी मच सर। राहुल के राहुल राहुल कहाँ से? एमपी खंडवा। अरे खंडवा से एक और है ना, वो साथ में तो नहीं है? जिया जी। अरे जिया जी है। दुखी क्यों? नहीं दुखी नहीं है, तुम्हें बता तो मुझे बताओ कि अच्छा आप भी करा उनको? नहीं वो लेके आए। वो लेके आए हाँ। क्या करते थे राहुल? पहले सर में कुछ भी काम करता था, मतलब गाड़ी वाड़ी चलाता, ड्राइविंग। अच्छा, कुछ भी हर काम। तो मतलब इस फील्ड में नहीं थे? नहीं सर। तो ऐसा क्यों लगा कि यार मुझे ट्रेनिंग से चालू करना चाहिए, कहीं दुकान में नहीं बैठना, ऐसा क्यों लगा आपको? और एशिया टेलीकॉम में क्यों? सर एशिया टेलीकॉम के बारे में जीजा को पहले से पता था, पहले से आने की 2 साल पहले भी आके गए थे हम यहाँ वगैरह देखे गए। उसके बाद मैंने वीडियो देखना चालू किया, तो पहले वो अकेले आने वाले थे, फिर साथ में भी आके मैं भी चल रहा हूँ। आया सर बहुत बढ़िया लगा एकदम शुरू से, मतलब फर्स्ट क्लास से सिखाते हैं, पहली क्लास में जैसे बच्चों को सिखाते हैं ABCD वैसा हर चीज सिखाया। अगर कोई सोचेगा कि आगे बढ़ के ये सर बता दो, नहीं, जो जहाँ सर को पढ़ाना वहीं से पढ़ाएंगे, उससे पूरा नॉलेज आता है। ये बताओ कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने भेदभाव किया? नहीं, कोई बंदा सबको एक बराबर रखते हैं, सबको एक बराबर रखते हैं, कोई बड़ा छोटा ऐसा तो नहीं देखते? नहीं, 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 सबको जीरो लेवल से सिखाता है सर, है ना? हाँ। सबको बराबर अपना टाइम मिलता है कि नहीं मिलता हर चीज़ करने का? बिल्कुल मिलता है। और अगर कोई अगर कुछ चीज़ में फंस रहा है तो एक बार या 10 बार मुझे दो भी टीचर चिल्लाते नहीं, डांटते नहीं है, और नाच से करवाते खड़े जो भी डांट है वो डिसिप्लिन के अंदर है और वो पढ़ाई पर नहीं है, ध्यान रखना, जितना पूछा वो सब बताया जा रहा है, बताया जा रहा है बिल्कुल। और चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप जाइए। सो दोस्तों ये है मेरा कंप्लीट, आ जाओ बैक जाइए सब लोग। तो जैसे कि आपने देखा, हमने हर स्टूडेंट से खड़े होके पूछा, यहाँ एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसको हमने छोड़ा, एक भी स्टूडेंट छोड़ा है कि हमने? तो हर स्टूडेंट से पूछने का मतलब ये होता है कि हमने हर स्टूडेंट से उतना ही काम करवाया जितना हर एक से, मतलब पर्टिकुलर एक एक से सबसे बराबर काम करवाया है, किसी से कम ज्यादा नहीं। अगर हमने IC निकलवाई है तो सबसे निकलवाई है, ये नहीं कि किसी को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो मेरे साथ में है अभी हमारे दुर्गेश सर, और मेरे साथ में एक बार दीपा सर के जोरदार तालियां। दीपक सर हमारे, और यही हमारे नए मेंबर, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस है पहली बार, दीपक सर के लिए बात जोरदार फ्रेंड का बहुत अनुभवी। दीपक सर की अभी करंट में 2 दुकान है सर, कहां पर बताओ? महाराजन UP में हमारा दुकान है, 2 दुकान है इनकी, और ये काफी ये अच्छा काम करने के बाद में ये हमारे को इन्होंने ज्वाइन किया है। और मैं आपको बस यही वो कहना चाहूंगा कि अगर अच्छा काम करना है, अच्छा नाम कमाना है और मेहनत, तो पहली चीज तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसी जगह जाओ जहां मेहनत करवा सके, ऐसी जगह जाओ जहां डिसिप्लिन हो, ऐसी जगह जाओ जहां घर जैसा माहौल मिले। अगर तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के कोई सिखाएगा और तुमको डेली चाय पिलाएगा तो वो तुम्हें सिखाने के लिए नहीं लाया, वो तुम्हें प्रलोभन दे रहा है, बस ये समझ लो। तो बस आखिरी बार में एक साथ कहना चाहूंगा स्टूडेंट के साथ कि भाई ये एग्री करते कि नहीं करते कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? ये होता है मेहनत। सो थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार तालियां एक बार। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? तो कैसा रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर CPU किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं डबल डेकर CPU कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने?
यूनिवर्सल स्टेंसिल से? यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर, आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस, कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों।